गाइस, टुडे आई एम अप विद अ न्यू वीडियो। ये कोई डेली वीडियो या आज मैं आपके साथ कोई DIY शेयर नहीं करूँगी। ये मेरी खुद की स्टोरी है, मेरी DNC स्टोरी है, जो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। सो व्हाट इज DNC और डॉक्टर आपको DNC कब रिकमेंड करता है? DNC का फुल फॉर्म है डायलेशन एंड क्यूरेटाज, और DNC आपको डॉक्टर तभी रिकमेंड करता है जब आपका मिस्ड मिसकैरेज होता है या फिर आप अपनी प्रेगनेंसी को खुद ही कंटिन्यू नहीं करना चाहते हो। इन दैट केस ओनली डॉक्टर आपको तभी रिकमेंड करता है DNC। और DNC होता क्या है? DNC बेसिकली एक सर्जिकल प्रोसीजर होता है जो आपके यूटरस से बेबी के रिमेनिंग पार्ट्स को, जो आपका बेबी ख़राब हो गया होता है, उसके रिमेनिंग पार्ट्स को क्लीन करता है। अगर मैं इसे नॉर्मल बोलूँ तो ये क्लीनिंग प्रोसेस है। सो ये लास्ट ईयर की बात है, 23rd of December, मेरे पीरियड्स 2 वीक लेट थे, तो मैंने जो अपना प्रेगनेंसी टेस्ट किया था वो 8th of January को किया था। तो जो मेरा प्रेगनेंसी रिजल्ट था वो एक लाइन डार्क थी और जो सेकेंड लाइन थी वो थोड़ी सी फेडेड थी। तो मैं कन्फ्यूज्ड थी कि हाँ, मैं प्रेगनेंट हूँ कि नहीं। फिर मैंने कुछ दिन बाद फिर टेस्ट किया तो फिर से वही था कि हाँ, एक लाइन डार्क, पर जो सेकंड लाइन थी वो थोड़ी सी डार्क थी, पर तब भी वो फेडेड ही थी। पर मुझे पेल्विक एरिया में हल्का हल्का पेन हो रहा था। मैं समझ नहीं पा रही थी कि मुझे ये पेन क्यों हो रहा है। मैंने अपनी मदर इन लॉ को बताया, उन्होंने ज़रा सा भी देरी नहीं की, हम तुरंत डॉक्टर के पास गए। तो मेरा अल्ट्रासाउंड हुआ, मेरा 8th week चल रहा था। तो जब डॉक्टर ने मेरा अल्ट्रासाउंड किया तो उस टाइम पे बेबी की कोई भी हार्ट बीट नहीं शो हो रही थी। तो हम उन्होंने मुझे जब मेरा उन्होंने अल्ट्रासाउंड देखा तो उन्होंने मुझे दवाइयाँ और कुछ इंजेक्शंस दे दिए थे। उन्होंने कहा था कि आप 2 वीक बाद फिर आइएगा। फिर 2 वीक बाद मैं गई, मेरे मन में नेगेटिव थाट्स आने लग गए थे, पर मैंने सोचा मैं क्यों अभी से नेगेटिव थाट्स के बारे में सोचूं, लेट मी फर्स्ट कंसल्ट टू माई डॉक्टर। मेरे बेबी की हार्ट बीट ही नीचे हो रही थी। तो डॉक्टर ने मुझे फाइनली, उन्होंने ये चीज़ कह दी कि हाँ, आपका बेबी अलाइव नहीं है, आपको DNC करवाना ही पड़ेगा। मैं ये चीज़ सुनकर शॉक्ड हो गई थी, बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड हो गई थी। मैं गाइस, मैं बिलीव नहीं कर पा रही थी। कुछ टाइम तक मैं ये सोचकर खुश हो रही थी कि हाँ, मेरा फर्स्ट बेबी है, मुझे ये प्लान करना है, मैं वो चीज़ करूँगी इसके लिए, जब वो आएगा मैं क्या क्या चीज़ें उसके लिए खरीदूँगी, क्या क्या मुझे करना है। पर अब मैं अपने सेंसेस में ही नहीं थी। मैं पूरे रास्ते पर सोच रही थी क्यों मेरे साथ ये हो रहा है, मैं ही क्यों। मैं घर आई, मैं सीधा अपने रूम में चली गई थी, मैं किसी से मैंने उस टाइम पर बात नहीं की थी। मैं रूम में गई, मैंने तुरंत अपनी मदर को फ़ोन किया, मैंने उनसे सारी चीज़ें शेयर की कि हाँ, ऐसा ऐसा हुआ है, डॉक्टर ने मुझे DNC के लिए कह दिया है। वो भी बस मेरी बातें सुन रहे थे, उन्होंने भी कुछ नहीं कहा। फिर उन्होंने फ़ोन रख दिया। मैंने उसके कुछ टाइम बाद, मेरे हस्बैंड आ गए थे ऑफिस से, उन्होंने मुझसे पूछा कैसा रहा अल्ट्रासाउंड, डॉक्टर ने क्या बताया। मैंने उनसे भी सारी चीज़ बताई कि हाँ, डॉक्टर ने मुझे DNC के लिए कह दिया, क्योंकि हमारा बेबी अलाइव नहीं है, हमारा बेबी ख़राब हो चुका है। तो फिर 13 को ही मैं लखनऊ आ गई थी अपने पापा के पास। मैं 14th को, मेरी 9 बजे की अपॉइंटमेंट थी, हम डॉक्टर के पास आ गए थे, हॉस्पिटल में आ गई थी। उन्होंने मेरा जो रेगुलर चेकअप होना है वो किया, सारे टेस्ट किए, एक बार फिर से उन्होंने अल्ट्रासाउंड किया मेरा। फिर उन्होंने मुझे एक जनरल वार्ड में उन्होंने मुझे शिफ्ट कर दिया था। तो उसी के हम बस वेट कर रहे थे कि हाँ, कब डॉक्टर आए, कब मेरा DNC होगा। उसी के कुछ मिनट बाद ही एक डिलीवरी होनी थी। तो मैंने जब एक बच्चे की रोने की आवाज़ सुनी, मैं बहुत ही ज़्यादा रोने लग गई थी, बहुत ही ज़्यादा मैं रोने लग गई थी। मैं ये सोच कर रो रही थी कि हाँ, अगर ऐसा कुछ ना हुआ होता मेरे साथ तो मैं भी आज कुछ महीने बाद, मैं भी अपने बच्चे को देख रही होती, मैं भी उसके रोने की आवाज़ सुन रही होती। पर आज मैं अपना बच्चा खो रही हूँ। मैं बहुत ही ज़्यादा, मैं बता नहीं सकती मैं क्या उस टाइम पे फील कर रही थी। मेरे पास मेरी माँ भी बैठी हुई थी, वो बस मुझे देख कर, वो भी रोना उन्होंने स्टार्ट कर दिया, वो बस मुझे
काम कर रही थी कि तुम चुप रहो, ऐसा होता है मतलब भगवान ने कुछ सोचा होगा तुम्हारे लिए, हो सकता है तुम आगे वाली आने वाली प्रेगनेंसी तुम्हारी और अच्छी हो। वो बस मुझे कंसोल ही कर रही थी। फिर डॉक्टर आ गई थी, मैं गई ओटी, मेरा क्लीनिंग प्रोसेस हुआ। पर मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी कि मेरी जो डीएनसी हुई थी वो मंजू वाहिनी की थी। वो गाइस बहुत ही अच्छी गायनायक है, बहुत ही अच्छी गायनायक है, तो उन्होंने ही मेरा किया था। तो एज सच मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई, क्योंकि मैंने बहुत लोगों का एक होता है आपके, जब आपकी डीएनसी होने वाली होती है तो आप हर जगह सर्च करते हो कि हाँ आपको कि दूसरों का डीएनसी का क्या एक्सपीरियंस रहा है, वो क्योंकि शेयर करती है। मैं आपसे झूठ नहीं बोलूँगी, जब मेरी डीएनसी होने वाली थी तो मैं भी बस सर्च करती थी कि हाँ उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया होगा, उन्होंने क्या उस टाइम पर फील किया होगा। तो जब मेरी डीएनसी हो चुकी थी तो मुझे बस उस टाइम पर पेन हुआ था, पर आज सच कोई मुझे दिक्कत नहीं आई थी। यही मैंने एक अनएक्सपीरियंस डॉक्टर से मैंने अपनी डीएनसी करवाई हुई होती तो मुझे बहुत ही ज़्यादा दिक्कत आती। अगर आप एक अनएक्सपीरियंस डॉक्टर से अपनी डीएनसी करवाते हो तो ये भी होता है कि हाँ वो ध्यान नहीं देते, आपके यूट्रस में कोई इंजरी हो सकती, कोई इन्फेक्शन हो सकता है टूल से, जिससे आपको आने वाली प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम्स हो, कॉम्प्लिकेशंस हो, आप कंसीव ही ना कर पाओ। तो गाइज मेरी बस आपसे यही एक एडवाइस होगी कि आप जब भी ऐसा कुछ होता है कि आपको डीएनसी करवानी है, आप पहले सबसे पहले आप ये देखो कि आप एक अच्छे गायनेकोलॉजिस्ट से ही अपनी डीएनसी करवाओ। मेरे डीएनसी हो चुकी थी, मैं अपने उन्होंने मुझे आई थिंक कुछ घंटे बाद, आधे घंटे बाद ही उन्होंने मुझे मेरे रूम में शिफ्ट कर दिया था। फिर मुझे उस टाइम जब मेरी डीएनसी हो गई थी, मुझे बस एक दो घंटे का ही मुझे पेन हुआ था। जब मैं होश में आई थी मुझे कुछ ही घंटे का पेन हुआ था, उसके बाद उन्होंने मुझे शाम तक डिस्चार्ज कर दिया था। मैं घर आ गई थी, घर आने के बाद मैंने क्या चीज़ फेस की, मुझे क्या मेंटल ट्रॉमा फेस करना पड़ा। जब मैं डॉक्टर के पास गई तो उन्होंने मुझे क्या चीज़ एडवाइस की, कौन सी मेडिसिन प्रिस्क्राइब की थी उन्होंने मुझे, प्लस मैंने अपनी बॉडी को कैसे हील किया, मैंने खुद को कैसे प्रिपेयर किया अपनी नेक्स्ट प्रेगनेंसी के लिए ताकि मुझे कोई कॉम्प्लिकेशंस ना हो, वो एक हेल्दी प्रेगनेंसी रहे। ये सारी चीज़ें मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, क्योंकि अभी की वीडियो तो काफ़ी लेंदी हो चुकी है। अगर आपने मेरी वीडियो यहाँ तक देखी तो थैंक यू सो मच। प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब किए हुए बिना मत जाइएगा। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।